आज हम आपको अपनी शॉप का स्पेशली मटन कैसे बनता है वो बता रहे हैं जी आपको। ठीक है, हमने सबसे पहले देसी घी डाल लिया है, उसमें हम सबसे पहले डालेंगे जी लहसुन अदरक की पेस्ट, हरी मिर्ची की पेस्ट। इसको हल्का सा इसको बुनाई करेंगे जी लहसुन को, ताकि उसकी स्मेल ना रहे इसमें। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले। ये पहले डालने का इसलिए होता है जी मोटे मसाले, ताकि वो अच्छी तरह गर्म हो के अपना फ्लेवर दे सकें। ये प्याज की पेस्ट है जी हमारी। प्याज पेस्ट डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जी। और प्राइस क्या रखा हुआ है आपने? इसकी पर प्लेट होती है जी, प्लेट में चार पीस जाते हैं, जिसका प्राइस है 330। अभी इसमें थोड़े से मसाले पड़ेंगे जी, हल्की सी देगी मिर्च लगाएंगे इसको। ये आगे जी देगी मिर्च, अभी इनको अच्छे से भुना जाएगा। प्याज को थोड़ा सा बुनाई करके अच्छी तरह से पानी सुखा के इसका, उसके बाद जब हम मटन डालेंगे अभी 5-7-10 मिनट तक, तो फिर उसको हल्की आंच पर बुनाई करेंगे। हमारा प्याज बुनाई हो गया तैयार है जी, घी उसने छोड़ दिया, ऊपर आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें अपना मटन डालना शुरू करेंगे। अब मटन की क्वालिटी देखो, पीस चेक करो, चाम के पीस हम इसमें मिक्स करेंगे हम। तो पाजी मटन की क्वालिटी कैसे डिसाइड करते हो? मटन अपने आप लेते हैं जी, हमारे पुराने वेंडर लगे, पिताजी के टाइम पे लगे हुए हैं, एक ही घर रखा हुआ मटन का स्पेशल। हमने मटन देख के पता चल जाता है ये कैसा है कैसा नहीं है। यहाँ पे धीरे धीरे मटन जो है वो ऐड किया जा रहा है, तो अभी फाइनली जो है ये बन के होगा तैयार। तो भाई कितना टाइम लगेगा इसको? बुनाई करेंगे जी कम से कम आधा घंटा। तो पाजी थोड़ा ये बता दो कि जैसे मटन तो अमृतसर में बहुत बनता है, लेकिन क्या डिफरेंट क्या रखते हो आप? डिफरेंट ये है कि मैं अपने मुंह से कहूंगा कि ऐसा है वैसा है, जो खाएगा देसी घी का भुना हुआ मीट उसको अपने पता चलेगा जी मटन की पीस की क्या क्वालिटी है। जो हम मटन बना रहे हैं वो अपना देसी घी में बना रहे हैं, देसी घी है 500 रुपये किलो, जो बनाते हैं सरसों के तेल में बनाते हैं या रिफाइंड में बनाते हैं वो सारा है 100-150-200 रुपये किलो। आपको यहीं से आपको पता चल जाएगा हाँ भी किस चीज़ की क्वालिटी का कितना फ़र्क है कि कैसा है कैसा नहीं है। आप देख रहे हैं जी हमारा मटन प्याज के साथ मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम मिलाने जा रहे हैं जी दही। ये 1.5 किलो दही है जी, इसमें दही डलेगा जी, इससे फ्लेवर अलग आएगा। कोई इसमें दही डालता है कोई नहीं डालता, टमाटो प्यूरी के साथ हम दही जरूर मिक्स करते हैं, इसका अपना अलग से फ्लेवर आता है जी। दही के साथ हम इसके में थोड़ा सा टमाटर भी डालेंगे। तकरीबन 1.5 किलो दही था और 1 किलो टमाटर, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दही पहले और टमाटर पहले नहीं डालना, इसको थोड़ा सा बुनाई करके 15-20 मिनट फिर डालेंगे। उसका कारण ये है कि अगर खट्टा पहले डाल देंगे दही का और टमाटर का, ये मटन में गुलाई करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा, गलेगा नहीं, वो ज़्यादा टाइम लेगा। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दही के साथ। आप देख रहे हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। मटन हमारा तकरीबन बनकर भुजकर तैयार हो चुका है जी, भुना हुआ मटन। जो हमने घी डाला है ना, वो सबसे ऊपर मसाला आ चुका हुआ, इसकी भुनाई पूरी हो चुकी हुई है। अब इसका लास्ट प्रोसेस यही है, इसमें हम पानी मिक्स करेंगे जी। जो थोड़ी बहुत कसर बच गई है मटन में, वो इसकी इम्प्रूव हो सके, कच्चा पानी इसका निकल सके। आप इसकी टेंडरनेस देख सकते हैं जी, बिल्कुल हमारा बन के तैयार है जी, ये कंप्लीट है। आप उसको घी ऊपर चेक कर सकते हैं, आ गया हुआ है, ये रेडी टू सर्व है जी। अब कोई ऑर्डर आएगा हम इसी में से दे सकते हैं। ऐसा देसी घी में बना हुआ मटन आपको पूरे अमृतसर में कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। एक बार आओ और हमारी दुकान का मटन जरूर ट्राई करो। हमारी शॉप का नाम है जी बब्बी फिश एंड चिकन कॉर्नर, क्रिस्टल चौक, कूपर रोड, अमृतसर।